अब आते हैं अगले मिथ पे, अगली गलत फहमी जो हम कई बार सुनते हैं पेशेंट से। पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो उनके गम्स में ऑलरेडी इन्फेक्शंस होते हैं, इन्फेक्शन के कारण उनके गम्स जो होते हैं या फिर मसूड़ों जो होते हैं उसमें सूजन आई होती है। और सूजन जब आती है तो आपको नॉर्मल भी आप देखो कि कहीं सूजन आई, कहीं स्क्रैच बन गया, तो वो लाल दिखने लग जाता है वो सरफेस, और फिर उसमें काफी सेंसिटिव होता है, उसको टच भी करो तो हमको दर्द भी होता है और खून भी आता है। उसी तरह गम्स में स्वेलिंग या फिर ब्लीडिंग होने का चांसेस होती है। आपका आप उसको देख रहे हो कि चलो अभी ब्लीडिंग तो हो रही है, अब मैं ब्रश कर रहा हूँ ब्लीडिंग हो जा रही है, ब्रश कर रहा हूँ ब्लीडिंग हो जा रही है, तो मैं ब्रश ही नहीं करूंगा। पर ये गलत बात है, क्योंकि ब्लीडिंग गम्स ये एक साइन है कि आपके मसूड़े हेल्दी नहीं है। हाँ, ब्रश उस पर घुमाओगे तो ऑब्वियसली उसको इंजरी होगी और वो ब्लड आएगा, लेकिन इसका सोल्यूशन ये है कि आपको डेंटिस्ट के पास जाना है, आपके दांत क्लीन करवाने हैं। जब आपके दांत क्लीन होंगे तब आपके मसूड़ों में जो कचरा जमा था वो निकल जाएगा, तो मसूड़े धीरे धीरे नॉर्मल इसमें आ जाएंगे, उसमें की सूजन कम हो जाएगी। और सूजन कम होना मतलब उसका जो ब्लड सप्लाई था जहाँ इंजरी हुई थी वो कम हो जाएगा और इसकी वजह से ब्लीडिंग कम हो जाएगी। तो दांत जब मसूड़े ब्लीडिंग करते हैं तो उसको ब्रश नहीं करना, ये गलत बात है, लेकिन पहले डेंटिस्ट के पास जाके नॉर्मल प्रोफेशनल आपको क्लीनिंग करनी पड़ेगी मसूड़ों की सूजन कम करके, फिर ही आप नॉर्मल ब्रश उस पर कर सकते हैं।